दोस्तों आज की इस वीडियो में हम KU बैंड और C बैंड डिश के बीच में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे लिए कौन सा डिश बनाया गया है और हमें किसका अधिकतर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप C बैंड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो लीगल है या इलीगल है, क्या सही है क्या गलत है, और KU बैंड इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसके जो है स्पेसिफिकेशंस रहेंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी आपने कई तरह की वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुछ लोग आपको KU बैंड की इन्फॉर्मेशन देते हुए दिखाई देंगे तो कुछ C बैंड की इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखाते हुए मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कौन सा डिश बेहतर रहेगा वो भी सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, और C बैंड पर आपको एक्स्ट्रा क्या ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा ऐसे कौन से चैनल्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो अपने C बैंड सेटअप को भी आज के समय में लगाने के बारे में सोचने लगे हैं। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं KU बैंड के बारे में। तो KU बैंड जो है दोस्तों, ये आपके जितने भी छोटे डिशेज लगे हुए हैं ना आपके घरों में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, ये सभी KU बैंड है। चाहे टाटा प्ले कह लो, चाहे डिश टीवी कह लो, चाहे एयरटेल सन डायरेक्ट या DD फ्री डिश भी कह लो, ये सभी तरह के KU बैंड डिशेज में ही आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर छोटा सा डिश साइज है तो ये KU बैंड हो गया, नहीं। आप चाहे बड़े डिश साइज में भी KU बैंड के सिग्नल रिसीव करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन नॉर्मली जहां पे इजिली कवरेज अवेलेबल हो तो वहां पे छोटे से डिश साइज में भी आपको सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं, और यही वजह रहती है कि छोटे से डिश साइज जो है वो हमारे लिए बनाए गए हैं कंपनीज की ओर से, क्योंकि कंपनीज को भी मालूम है कि अगर हम सबसे बड़ा साइज बना देंगे तो लोगों के घरों में इतनी जगह नहीं होती, छत में इतनी जगह नहीं होती कि वो आसानी से इतने बड़े बड़े छतरियों को इंस्टॉल कर सके। इसलिए जहां पर कवरेज इजिली अवेलेबल हो, गवर्नमेंट के पास जो है इन सभी DTH कंपनीज ने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो सिग्नल कवरेज अच्छी होने की वजह से सभी कंपनीज का जो है, टाटा प्ले को देखेंगे या एयरटेल को देखेंगे या डिश टीवी D2H को देखेंगे, तो सभी जो है सिमिलर ही आपके लिए रहेंगे। डिश टीवी D2H की शेप अलग हो सकती है, डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन जो है सिग्नल जो है रिसीव करने की क्षमता है वो दोनों सभी में एक ही समान है। चाहे आप टाटा प्ले के एंटीने में डिश टीवी के सिग्नल पकड़ लो, और चाहे आप डिश टीवी के एंटीने में टाटा प्ले के सिग्नल या एयरटेल के पकड़ लो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो बेसिकली KU बैंड डिश एंटीना को इसलिए बनाया गया है, जबकि C बैंड डिश एंटीना को बनाया गया है दोस्तों आपके ब्रॉडकास्टिंग के अपलिंक डाउनलिंक सिग्नल्स के लिए, और जो भी आपके मेन अपलिंक डाउनलिंक सेंटर जैसे कि मान लीजिए TV चैनल है कोई, तो वो भी इन C बैंड सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकता है, और जो केबल TV ऑपरेटर्स हैं वो भी इन C बैंड डिशेस का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो चैनल्स होते हैं दोस्तों वो हमारे C बैंड में जो है अपलिंक होते हैं और डाउनलिंक होते हैं, और इसी से जो है हमारे DTH कंपनीज को जो चैनल है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। और जो नॉर्मली हम शुरू से कई सालों पहले केबल TV को उपयोग करते थे तो C बैंड डिशेस के इस्तेमाल से ही जो है हमारे बी चैनल्स पहुंचाया करते थे, और आज भी मेरे ख्याल से पहुंचाते हैं ये, और इसी वजह से जो है C बैंड डिश का भी आज के समय में लोग या केबल TV वाले या फिर ब्रॉडकास्टर्स जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें अपने लिए कौन सा कंसीडर करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल आ सकता है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, KU बैंड जो है वो आप सभी के लिए बनाए गए हैं। अगर आप हर महीने का रिचार्ज करा सकते हैं तो आप ऑब्वियसली एक पे DTH की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपकी छत पे जो है ज्यादा जगह भी नहीं गिरेगी, एक छोटे से कॉर्नर पे आप कहीं पे भी डिश को इंस्टॉल करेंगे तो आराम से जो है आप जितना मर्जी रिचार्ज कराओ, TV देखते जाओ। टाटा प्ले, डिश TV जैसे तमाम कंपनीज आपके लिए सर्विसेज देती आ रही हैं। इवन आपको लाइफ टाइम फ्री सर्विस चाहिए तो भी आपके लिए KU बैंड में भी ऑप्शन है, जैसे कि DD फ्री डिश जो कि इंडिया का एक DTH है और आपके लिए लाइफ टाइम फ्री सर्विस देता है। जो भी चैनल्स वो दिखा सकते हैं, जितने भी स्लॉट्स उनके पास हैं वो सभी के सभी आपके लिए लाइफ टाइम फ्री किए हुए हैं। तो एक बार आपको इंस्टॉल कराना पड़ता है सारा सिस्टम, और आप जो है आराम से जिंदगी भर के लिए अपना मुफ्त मनोरंजन ले सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं C बैंड डिश की, तो C बैंड डिश जो है दोस्तों, जहां एक तरफ केबल TV ऑपरेटर्स के लिए या ब्रॉडकास्टर्स के लिए है, तो दूसरी ओर जो इन चीजों पे माहिर है या जो इन चीजों पे एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहते हैं या C बैंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने घरों में इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हमें देखेंगे तो हमने आपको यूट्यूब पे वीडियोस में बताने के लिए, चैनल्स के बारे में समझाने के लिए C बैंड का सेटअप किया हुआ है, तो हमने भी C बैंड जो है डिश काफी सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से बाकी यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जो बेशक यूट्यूब पे तो नहीं आते लेकिन वो बैक साइड इसी तरीके का जो है C बैंड का सेटअप अपने घर पर किए हुए हैं, ताकि जो भी फ्री टू एयर के चैनल्स हैं उनको वे आसानी से अपने TV तक देख सके, और जो नया चैनल ब्रॉडकास्टर की ओर से लॉन्च होने वाला होता है तो वो भी डायरेक्टली सबसे पहले C बैंड सैटेलाइट पर ही होता है, तो उसको रिसीव करने के लिए भी बहुत से जो लोग हैं यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी इन चीजों में शौक रखते हैं सैटेलाइट रिसेप्शन का, सैटेलाइट ट्रैकिंग का, तो वो जो है इस तरीके का C बैंड सेटअप अपने घर पर जरूर करते हैं।
कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं कि क्या ये लीगल है या इलीगल है, तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप एक केबल टीवी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास लाइसेंस जो है वो होना जरूरी है। भारत सरकार की ओर से अगर आपको केबल टीवी सर्विसेज को रन करने के लिए लाइसेंस है तो ही आप जो है सी बैंड रिसेप्शन यूज कर सकते हैं और केबल टीवी सर्विसेज अपने एरिया में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई भी लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही कोई इशू है। आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने घर में चाहे सी बैंड लगाए चाहे केबल बैंड लगाए, गवर्नमेंट को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जो चैनल आप रिसीव कर रहे हैं वो ओबियसली ब्रॉडकास्टर से भी फ्री टू एयर ही है, तो ब्रॉडकास्टर भी जो चैनलों को फ्री में दे रहा है सी बैंड पे, तो ओबियसली कोई भी उसे रिसीव कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसको आप अपने लिए पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आप किसी और को सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे केबल टीवी की सर्विस दे रहे हैं और कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आपके लिए ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो आपको सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए ही सी बैंड का इस्तेमाल करना है। अगर आप केबल टीवी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए और गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, तभी जो आप इसको लीगली वे में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोनों डिशेस के बारे में आप समझ गए होंगे कि अगर आपको केयू बैंड यूज करना है तो उसमें आपको मंथली रिचार्ज और बिना रिचार्ज के लिए डीडी फ्री डिश का ऑप्शन है, जबकि सी बैंड में आपके लिए एक तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको हर एक नई फ्रीक्वेंसीज के बारे में डेली अप टू डाउन आप जो है अपडेट रहना पड़ेगा। इवन सी बैंड सैटेलाइट्स के जो है आपको सिग्नल ट्रैक करने में भी थोड़ी बहुत कभी कभी मुश्किल हो सकती है अगर आपको ज्यादा इसमें जानकारी नहीं है। वैसे यूट्यूब पे आपको बहुत से ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो कि आपको समझाते हुए बताएंगे कि भाई जो कि आपको अच्छे से समझाएंगे भी कि किस तरीके से सेटिंग करनी है। लेकिन आपके लिए जो है दोस्तों बेटर ऑप्शन केयू बैंड है, अगर आपके पास घर में जगह भी कम है और ज्यादा आप इस पे इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास घर में जगह है और आप इन चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप सैटेलाइट ट्रैकिंग को अच्छे से जो है करना जानते हैं, या फिर आपको नॉलेज जो है वो ज्यादा है इन चीजों में, या फिर आपका इंटरेस्ट है, तो आप सी बैंड सेटअप अपने घर पर जरूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।